Yo, what's up YouTube? Welcome back to another video and you're watching Danu Humbo. So today I'm in DHA phase 1 end block. So as you can see, मैं एक काफी interesting shop के अंदर हूँ जिसका नाम है Hunza Farm. तो चलिए इसके बारे में हम और जानते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे cinematic shots. तो पहले वो देखते हैं. देख लिए सारे सिनेमैटिक शॉट्स. उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे, और अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें. तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो यहाँ पर आप पहला कदम रखते हैं ना, तो आपको एक पूरा Hunza का ट्रेडिशन, एक पूरा उसका कल्चर, उसकी सारी वैल्यूज़ वो रिमाइंड होती हैं. और अगर आपने वहाँ विज़िट किया होगा तो आपको एक पूरा फ्लैशबैक चला जाता है कि ये माशाल्लाह दुकान एकदम वैसी ही है. और यहाँ पर ऑर्गेनिक फूड, जो भी आर्टिकल हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट हैं, बैग्स हैं और काफ़ी चीज़ें हैं, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं. यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर है रुबीना हनी, रशियन ऑलिव हनी और हर्बल हनी. ये डिफरेंट फ्रूट्स, आई मीन डिफरेंट फ्लावर्स वगैरह का बना हुआ होता है हनी. और यहाँ पर काफ़ी ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि वॉलनट, एप्रिकॉट, आलमंड. और ये जो इनकी मैं आपको बात बताता चलूँ, जो कि ये है ना एप्रिकॉट, ये हम ये सूरज से सुखाए गए हैं, ये ऑर्गेनिक, इसमें किसी किस्म का केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल सनलाइट से बुझाए. तो अब मैं आता हूँ ऑर्गेनिक ऑयल की तरफ. ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर जैसे कि ये ज़ाफ़रान है, ये बहुत महंगा होता है और ये असली है और ये बहुत ही मुश्किलों से बनता है. इसका एक ग्राम जो बनता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनता है और बहुत मुश्किल से ये हार्वेस्ट किया जाता है. ये जो बात थी मुझे मेरे सर ने बताई थी, सर हादी ने. तो अगर सर हादी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा. बाकी यहाँ पे और भी ऑयल है डिफरेंट किस्म के. और जो बेस्ट पार्ट है यहाँ की शॉप का, वो है यहाँ पर ऑर्गेनिक जैम. ये जैम है यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर्स के, बहुत ही मज़ेदार, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यू विल नॉट रिग्रेट. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ट्रेडिशनल गिलगित बल्तिस्तान कैप पहनी हुई है. यहाँ पे वो ढेर सारी वैरायटी मौजूद है डिफरेंट कलर्स के साथ. और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की बेस्ट चीज़ शॉप की, वो है ये स्टोन.
ये जो स्टोन है ना, ये ऑर्गेनिक स्टोन है, और ये जो है ना माइक्रोवेव रेडिएशन, माइक्रोवेव की जो रेडिएशन होती है ना वो सारी एब्जॉर्ब करता है इस तरह की, और ये बहुत अच्छा है, इसको घर में रखना चाहिए डेकोरेशन के तौर पे। और इसी तरह अगर ये आप पूरा स्टोन नहीं लेना चाहते तो इसकी एक ब्रेसलेट भी मौजूद है, वो भी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो ब्रेसलेट है, इसकी क्वार्ट्स की बनी हुई है ये, और ये जो घड़ियाँ होती है ना क्वार्ट्स की, उसके अंदर भी ये यूज़ की जाती हैं, जो हमारी हार्ट बीट के जरिए जो वॉच चलती है ना ये उसके अंदर मदद करता है। तो अब आपको पता चला कि वो घड़ी क्यों नहीं रुकती, क्योंकि उसके अंदर ये पत्थर मिला हुआ होता है। शॉप के बीच में हमें मिलता है वुडन क्राफ्ट, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी, जैसे कि ये रहेल, इसको देख के बहुत ज़्यादा यादें ताज़ा हुई हैं हमारी, तो ये ज़रूर आप चेक कीजिएगा। इसके अलावा और भी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी हैं जो मौजूद है, और जैसे कि एक बास्केट, ये बास्केट देखकर भी हमें एक फ्लैशबैक में चला जाता है कि यार पुराने ज़माने में इस तरह भी लोग इसमें चीज़ें रखा करते होंगे और यूज़ करते होंगे, और मेरे ख्याल से अभी भी किसी पार्ट के एरिया के अंदर दुनिया के ये इस्तेमाल हुआ होता है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये है शॉपिंग बैग, इसको आप जा सकते हैं अपना कुछ भी कैरी कर सकते हैं, तो ये आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी लुक प्रोवाइड करेगा कि आप एक पहाड़ी ख्याल रखते हैं कि यार आप नेचर को पसंद करते हैं इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं, तो ये एक डिफरेंट वाइब होती है जो आप में से आएगी। तो मैं आपको यहाँ की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये हैंडमेड रग्स। आपको पता है अमेरिका के अंदर लोग पागल हैं इस तरह की हैंडमेड बनी हुई रग्स इस्तेमाल करने के लिए, ये बहुत ही अच्छे होते हैं और ये बहुत मेहनत से बनते हैं, और ये सारे के सारे जो हैं यहीं से इंपोर्ट होकर बाहर के मुल्कों में जाते हैं, और इनकी प्राइस रेंज जो है वो 5000 से लेकर 16000 के अंदर आती है। अब मैं आपको मिलवाता हूँ भाई से, ये यहाँ पर होते हैं शॉप में, आप इनसे जानिए ये क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। तो हमारे शॉप में ये डिफरेंट वैरायटीज़ है हुंजा के प्रोडक्ट्स की, तमाम हुंजा के प्रोडक्ट्स है हमारी अपनी, हम खुद फार्म करते हैं इन प्रोडक्ट्स को। स्पेशली हमारे पास है ये ग्रीन टीज़, वहाँ के हर्बल ग्रीन टीज़, ये ग्रीन टीज़ 13-14 हज़ार बुलंदियों को पहाड़ पे नेचुरली उगते हैं, इनको हम फार्म नहीं करते हैं। इनमें ये हमारे पास बेस्ट है लेवेंडर टी, जो जिनको नींद नहीं आती है, अनयूजुअल हेडेक होता है उनके लिए ठीक है, और ये है टियालो टी जो वहाँ का एक बेस्ट है। और एक हमारे पास एक स्पेशल ग्रीन टी जो हुंजा में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ये है वाइल्ड थाइम टी, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, फ्लू के लिए अच्छा है, नज़ला ज़ुकाम वगैरह ये है। और हमारे वहाँ का एक स्पेशल हनी है रशियन ओलिव पहाड़ी बेर का, इसमें ग्लूकोज लेवल कम होता है और ये इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी लेते हैं। और एक है रूबीनिया हनी जो अस्थमा के लिए अच्छा है, और हमारे वहाँ का एक स्पेशल है ये हेम्प सीड, हेम्प सीड का ऑयल भी होता है, और इस ये स्पेशली काउस के लिए अच्छा है, पुरानी खांसी जो होती है उसके लिए, और छोटे बच्चों को इसका ऑयल भी पिला सकते हैं और इस सीड्स को साबुत ऐसे भी खा सकते हैं। और हमारे वहाँ के ऑर्गेनिक प्योर सलाजीत है जो बैक बोन पेन और जॉइंट्स पेन के लिए यूज़ होता है, स्पेशली ये बोन्स के लिए यूज़ होता है जिनमें आयरन की कमी है उनके लिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें तकरीबन 84 से भी ज़्यादा मिनरल्स हैं। हमारे पास वहाँ के जेम स्टोन्स हैं, जेम स्टोन्स नेकलेसेस हैं, रिंग्स हैं, रिंग्स में रूबी रिंग्स हैं, एमरिल्ड का है, एमेथिस्ट का है, और नेकलेसेस है, स्ट्रिंग्स हैं डिफरेंट टाइप के, और ये हमारे पास क्वार्ट्ज स्टोन है जिसके अंदर माइक्रो लेवल का वाइब्रेशन होता है जो माइक्रोवेव्स को ऑब्जर्व करता है, इसको एज अ डेकोरेशन पीस टीवी लॉन्च में रखते हैं या नेकलेस के तौर पे गले में रखते हैं, क्योंकि 24 घंटे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो ये अच्छा है उसके लिए, जो माइक्रोवेव्स का इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है उससे हमें बचा देता है। इस तरह की डिफरेंट वैराइटीज़ है, और हमारे पास हैं हुंजा के ऑर्गेनिक जेम्स हैं, जेम में कुछ जेम्स विद प्रिजर्वेटिव और कुछ प्रिजर्वेटिव फ्री है। जाने से पहले आपको बताता चलूं कि हमारे वहाँ का एक ऑर्गेनिक चॉकलेट कह सकते हैं आप, ये गिलगित बल्तिस्तान का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं किलाव। किलाव जो कि प्रोडक्ट है ये बनती है वॉलनट्स को
मलबरीज और ग्रेप्स के सॉस में डिप किया जाता है, उससे तैयार होती है। और ये गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है, कोई प्रिजर्वेटिव इसमें यूज़ नहीं होता और कोई शुगर भी इसमें एडिट नहीं होता, इसका अपना एक नेचुरल टेस्ट होता है। इसी तरह ऑर्गेनिक जैम्स है, एप्रिकॉट जैम, एप्पल जैम, जो हम खुद ही तैयार करते हैं यहाँ पे। और वहाँ का एक स्पेशल प्रोडक्ट ये सन ड्राइड एप्रिकॉट जूस है, इसमें पानी और एप्रिकॉट है और कोई इसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। इसके अंदर बहुत से फाइबर्स हैं जो बोन्स के लिए अच्छे हैं। Well guys, as seen as so far, you have seen guys a good variety of Hunza products. So well, right now I'm enjoying my apricot immunizer or apricot juice, which is very tasty. बहुत ही मज़े का। Well, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और thumbs up for the like, share and subscribe to our channel which is Danu Hamu. तो मज़ीद वीडियो के लिए प्लीज़ फॉलो अप करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी लव यू गाइज़। पीस।